धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सत्संग जी, इंसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सत्संग जी, आपको पता होगा कि 7 फरवरी को जब पूज्य गुरु जी पूरे 21 दिन की फरलो पर गुरुग्राम नामचर्चा घर में पहुंचे थे और 21 दिन गुरुग्राम में ही बिताए थे, और तब आपको पता होगा कि कुछ मनमते लोगों द्वारा पूज्य पिताजी की फरलो को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी, जहां पर बताना जरूरी है कि पंजाब के परमजीत सिंह सहोली नाम के आजाद उम्मीदवार द्वारा यह अर्जी डाली गई थी कि पूज्य पिताजी को फरलो लेने का अधिकार नहीं है। इस अर्जी का मंतव्य यही था, जिसको लेकर अच्छी खबर आ रही है जी। आपने उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है। कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला लेकर सुरक्षित रख लिया था, और आज जस्टिस राजमोहन की अदालत ने यह कहा है कि फरलो लेना पूज्य पिताजी का हक है, क्योंकि पूज्य गुरुजी कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। और आपको बता दें कि अदालत का अभी पूरा फैसला आना बाकी है, लेकिन अभी के लिए जब बड़ी अपडेट आ रही है जी, जो कि सच कहूं द्वारा सारी संगत को बताई गई है। पूज्य पिताजी की फरलो को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आप सबने इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है और सारी संगत के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है सत्संग जी, ताकि इस खबर के बारे में सारी संगत को पता चल सके। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को नीचे जो लाल कलर का बटन आ रहा है सत्संग जी सब्सक्राइब वाला, आपने उसको जरूर दबा देना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।